संसद में सेंगोल एक बार फिर बहस का विषय बन गया है और सेंगोल पर बहस बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास से हटाकर संविधान स्थापित करने की मांग की है। नई सरकार में विपक्ष सेंगोल को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं सेंगोल को हटाने की मांग पर बीजेपी भड़क गई है। हमारी जो संसद है वो लोकतंत्र के मंदिर है, वहाँ सिंगोल रखा जाए, राजतंत्र का प्रतीक रखा जाए, ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से दिए गए इसी बयान के साथ सिंगोल पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा और सिंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सिंगोल को राजा का डंडा बताकर उसे तुरंत संसद से हटाने को कहा, तो इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों ने भी उनका समर्थन कर दिया और सिंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पीछे से हटाने की मांग कर डाली। मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। संसद जो है लोकतंत्र के प्रतीक है, लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्थाएं, लोकतांत्रिक आस्थाओं की सारी चीजें होनी चाहिए। दरअसल सिंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया था। अब समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को बीजेपी भारतीय संस्कृति का अपमान बता रही है। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सिंगोल पर हमला। कहते हैं कि सिंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई, इसीलिए जब अखिलेश यादव से इस मामले पर सवाल किया गया तो वो घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। दरअसल सिंगोल को अंग्रेजों से भारत की सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद तमिल पुजारियों से इसे स्वीकार किया था, जिसके बाद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई संसद भवन में स्थापित किया था। सिंगोल का इतिहास रामायण महाभारत के प्रसंगों में भी मिलता है और कहा जाता है कि राज तिलक के मौके पर नए उत्तराधिकारी बनाए जाने पर सिंगोल सौंपा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।